बैतलहम का मतलब है ब्रेड का घर, रोटी का घर। रोटी दे घर दे विच रोटी है नहीं अज, क्योंकि अकाल पै गया उत्थे। जिस जगह का नाम ही रोटी का घर है, उस जगह के उत्ते जो अकाल पै जाए तो शैतान कई तरह के क्वेश्चन पूछता होएगा। लिखा बैतलहम दे विच अकाल पिया, रोटी दे घर दे विच रोटी है नहीं। बाइबल लिखा एक बंदा मुआब देश जान दे लई निकलिया। क्यों निकलिया मुआब देश? मुआब देश वो देश सीगा जिहड़ा पाप दे नाल पैदा होया सी। लूत दी अपनियां कुड़ियां दे नाल सोन नाल पैदा होया सी, जिहदे करके परमेश्वर मुआब देश नाल नफरत करदा सी। और परमेश्वर नहीं सी चाहता कि एक यहूदा, यहूदा दा मतलब प्रशंसा वाला देश, उच्चा देश। यहूदा देश उच्चा है और मुआब देश नीवा है। परमेश्वर नहीं सी चाहता कि जिन्नी मर्जी तेरे जीवन च बुरी सिचुएशन आवे कि तू प्रशंसा परमेश्वर दी छड़ के एवं तू शैतान दे मगर लगा रहे। परमेश्वर नहीं सी चाहता, वह चाहता सी कि तू यहूदा देश ही अड़िया रहे, खड़िया रहे। चाहे बैतलहम दे विच रोटी है नहीं गी, पर परमेश्वर रोटी दे या ना दे, वह मेरा परमेश्वर है। पर एक गल कह नहीं पाया क्योंकि हर बंदा इन्ना सेंस वाला नहीं गा। कई बार तुम देखते हो लोगों फिजिकली सेंस नहीं होंगी केड़ी गल किदे सामने करनी किदे सामने नहीं करनी, कित्थे नीवा बोलना कित्थे उच्ची बोलना, कई लोगों सेंस नहीं है। हाँ या ना? उदा ही कई लोगों आत्मिक सेंस नहीं है। अगर तुम बाइबल ध्यान दे नाल पढ़ो, वो लोग नहीं मरे जिन्हें लोगों की परीक्षावां आईयां या जिन्हें लोगों के दुख आए, वो लोग मरे ने जिन्हें आत्मिक तौर पर सेंस है नहीं जीन की। बाइबल दसदी है जिन्हें लोगों ने बैतलहम नहीं छड़िया उन्हें जो कोई भी बंदा मरिया नहीं। पर एक बंदा कहना नहीं, मैं यहूदा छड़न तैयार हाँ, मैं परमेश्वर का देश छड़न तैयार हाँ, पर मैं रोटी चाहिए चाहे मैं शैतान के देश मिले कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं तैयार हाँ छड़न यहूदा तो मैं जान तैयार हाँ मुआब, क्योंकि मैं अपने दोनों बच्चों अपनी वाइफ न मरता होया नहीं देख सकता। तो यीशु मसीह ने कहा जो तू मैनू छड़ के पाना चाहेगा तो उन्हें गवाएगा, जो मेरे लिए तू सारा कुछ छड़ के मैनू पालेगा तू सारा कुछ पाएगा। अपनी वाइफ को कहना चलो चलिए बच्चा चलो चलिए, क्यों? और नहीं नहीं कोई फायदा नहीं यहूदा च रह के, कोई फायदा नहीं प्रशंसा च रह के, कोई फायदा नहीं आराधक बन के, कोई फायदा नहीं बाइबल पढ़ के। चलो आओ चलिए मुआब देश दे विच, देखो लोग अन्य जातियां ने, देखो लोग किन्ने पापी ने, पर देखो उन्होंने घर दे विच किन्नी रोटी है, आओ चलिए उथे। और यह गल नहीं सी जानता कि परमेश्वर जिन्हों पुत्र बनाएगा उन्हों कोड़े भी मारेगा। तुम इन्नी वड्डी मिरास देने तो पहला वह तुम्हें चैक भी करेगा तुम ये काबिल है कि नहीं है। आत्मिक नॉनसेंस ना बनो, आमीन। वो एक आत्मिक नॉनसेंस व्यक्ति सीगा जिहड़ा माड़ी जी परीक्षा आनते यहूदा नू छड़ के मुआब देश चला गया कि उथे अकाल नहीं पिया, पिया उथे अकाल। कि वह सिचुएशन माड़ी नहीं सी? माड़ी सी, पर परमेश्वर यही कहता बाइबल च, तू पानी च होके चलेगा मैं तेनों डुबन नहीं देवगा, तू अग च होके चलेगा वह अग तेनों जलन नहीं देगी। उन्हें यह नहीं कहा तू जाएगा नहीं पानी च या अग आऊगी नहीं, कहता सब कुछ हो सकता है पर मैं तेरे नाल रहांगा। और इतों पता लगेगा असं असली विश्वासी हाँ या असं नकली विश्वासी हाँ। हालेलुया। उस रोटी दे घर दा जिहड़ा नाम सीगा बैतलहम वह परमेश्वर वालों सीगा, ते शैतान थोड़ी देर दे लई उस प्रोफेसी ने फाइट ते कर सकदा है पर उन्हों खत्म नहीं कर सकता। इसे लिए फिर भोजन वस्तु आई बैतलहम दे विच। जो स्पिरिचुअल सेंस की कमी है फिर असीं नहीं देखते मेरे बाप की गवाही की है, वो किन्ना मुश्किलों चो निकलिया किद्दां खड़ा रहा फिर जाके परमेश्वर ने उन्हें बरकत दी। पर अज असीं सारा कुछ शॉर्टकट दे विच चाहुंदे हां। एक नॉनसेंस व्यक्ति अपनी वाइफ नूं अपने दोनों बच्चों लेके जा रहा है बिना सोचते समझते कि बैतलहम का मतलब ही रोटी का घर है। जे शैतान इस प्रोफेसी ने फाइट कर भी रहा पर जित साड़ी होगी जे असी परमेश्वर जो खड़े रहांगे, क्योंकि शैतान सुता होया नहीं है। उन्हें पता तेरी लाइफ से की प्रोफेसी है, तेरी लाइफ से कि प्लैनिंग है परमेश्वर की, उन्हें किदा खत्म करे वह हर वेले सोचता है इस गल, कितना अविश्वास पैदा किया जाए, केड़ा केस तेरे सामने लिया के रखा जाए तेरे अविश्वास नूं वधाने दे लई।
और मैं तुम्हें प्रोफेसी देना परमेश्वर वो केस तुम देगा तेरे विश्वास वधन गए यीशु मसीह के नाम के विच तेरे विश्वास वधन गए मैं कहो केस तुम देगा अगर आमीन उच्चा मैं कहता विश्वास बदन गए वो वाले केस तुम देगा अगर आमीन उच्चा चर्च मैं कहा अगर आमीन उच्चा विश्वास तुम देगा ओ ओ ओ ओ आमीन मैं कहा जे उच्चा दे चर्च परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।